नमस्कार, क्या आप नमस्कार, आज इस लॉकडाउन को लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं और जैसा कि आपको पता है ये वैश्विक महामारी कोरोना पिछले 2 महीने में भारत में हालांकि इसका असर जो है वो नियंत्रित है, पूरे देश में जिस तरह से ये फैला है, मुझे याद है 22 मार्च को जब हम पहली बार जनता कर्फ्यू में शामिल हो रहे थे तो उस समय का आंकड़ा जो था पूरे विश्व में कुछ 2.5 या 3 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित थे और भारत में इसकी संख्या मात्र 800 लोगों की थी जिसमें 50 लोगों की जाने गई थी। आज 2 मई को भारत की स्थिति कई और देशों की तुलना में आज भी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन यह बीमारी जिस तरह से फैल रही है इस वक्त फिलहाल इसके रुकने का नाम या उसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त मैं जस्ट डैशबोर्ड देख रहा था, कुछ 40,000 केसेस जो हैं, लगभग 38 से 40,000 के केसेस आज दिन समाप्त होने तक मेरे ख्याल से 40,000 केसेस इंडिया में हो चुके होंगे और जिसमें महाराष्ट्र का जो योगदान है वो 12 या 13 हज़ार का होगा। जो महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट सीएम के अंडर में तीव्र गति से नंबर 1 पे है, उसके बाद जो है 3 और राज्य हैं, गुजरात के बाद है दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब इस एक तो सबसे पहला प्रश्न जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि ये जो आपके जीवन में जो तब्दीली आप देख रहे हैं, हाय नयना उपाध्याय श्योनकर हैज़ जॉइंड, वेलकम नयना, गुड टू हैव यू ओवर हियर, आपका स्वागत है इस वार्तालाप में। तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है लोगों के जहन में, लोगों के मन में, वो ये कि ये जो तब्दीलियां आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में, ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये कब तक जो है वो देखने को मिलेंगे, और इसका कोई स्पष्ट उत्तर, कोई स्पष्ट आंसर किसी के पास नहीं है। मैं आपको बस एक परिप्रेक्ष्य बता दूं कि ये एक मेरे ख्याल से कई दशकों के बाद दुनिया एक महामारी का मुकाबला कर रही है। पिछली बार महामारी जो है, जो एपिडेमिक जिसको कहते हैं, वो हिंदुस्तान में 1975 में लास्ट एपिडेमिक मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान ने देखा होगा, जब स्मॉल पॉक्स ने केवल 5 या 6 महीने में 1975 में जनवरी से मई के बीच 15,000 लोगों की जाने ली थी। लेकिन उसके उपरांत अगर हम छोटा मोटा जो है वो कभी प्लेग का एक छोटा एपिडेमिक आया था सूरत में 2009 में, स्वाइन फ्लू काफ़ी हद तक फैला था हमारे देश में, पर उसके अलावा जो है मोटे तौर पर मुझे लगता है कि जो एडवांसमेंट्स हुई थी साइंस की दुनिया में, साइंस के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में, उसने हमारे देश को या विश्व को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा था महामारियों से। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अगर आप पहले की शताब्दियों को देखें तो राइट फ्रॉम द 15th और 16th सेंचुरी टिल अराउंड द अर्ली 20th सेंचुरी कोई ना कोई महामारी जो है कभी किसी साल यूरोप उससे ग्रस्त होता था, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, ये बीमारियां जो है हमेशा आती थी। इनफैक्ट स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो अर्ली 19th सेंचुरी में डेवलप हो गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से दुनिया से इरेडिकेट 1980 में घोषित किया गया था। तो वैक्सीनेशन बनने के बाद भी कुछ 170 साल लगे थे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना जो है वो बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी जैसे जैसे लोगों में आने लगेगी तो इसका प्रहार कम हो जाएगा, इसका असर कम होगा सोसाइटी में, लेकिन अगले कई सालों तक, हो सकता है कुछ दशकों तक भी ये दुनिया में रहेगा। आसपास आप लोगों को इससे पीड़ित होते हुए देखेंगे, कुछ लोगों की जाने जाते हुए देखेंगे, लेकिन हाँ अगले 2 महीनों में मेरा अनुमान है कि काफ़ी हद तक हम इस पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना चुके होंगे। इनफैक्ट
3 या 4 रोज़ पहले सिंगापुर की एक एजेंसी है जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करती है, उसका ये अनुमान है और ये अनुमान पूरी तरह से उपलब्ध डेटा के आधार पर है, ये कोई ज्योतिषवाणी नहीं है, कि जून के सेकेंड वीक तक 99% केसेस इंडिया में लगभग जो है समाप्त होते हुए नज़र आएंगे और 1 अगस्त तक लगभग पूरी तरह से भारत इस बीमारी से निजात पा सकता है। हालांकि एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रिडिक्शन है, लेकिन फिलहाल जो है मेरे ख्याल से हम परिणाम की चिंता किए बगैर, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि हम इस लड़ाई को लड़ते जाएं ईमानदारी के साथ, जो हम कर रहे हैं अनेक राज्यों में और पूरे देश में। यहाँ जो आज विषय है, हाय आकाश, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, तो आज जो विषय, जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वो है लीडरशिप चेंजेस या लीडरशिप चैलेंजेस इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लीडरशिप या नेतृत्व में जो परिवर्तन अपेक्षित हैं और जो ज़रूरी होने वाले हैं, उनको समझने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस हमारे जीवन में आने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो एक किसी भी, हाय राज, गुड इवनिंग, गुड टू हैव यू इन द चैट, गुड टू हैव यू, यू नो, वी आर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं लीडरशिप चैलेंजेस इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो जो सबसे बड़ी चुनौती किसी भी राजनेता के लिए होने वाली है या किसी भी सीएम के लिए होने वाली है, वो है लाइफ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट की, जीवन बनाम बेरोजगार। एक तरफ जान बचाना लोगों की उतनी ही आवश्यक है, बल्कि मैं कहूँगा कि भारत की सराहना करनी चाहिए, जितना फोकस हमने पिछले 2 महीनों में जान बचाने में रखा है, शायद ही कोई दूसरा देश इतना फोकस, इतना समर्पित होगा लोगों की जाने बचाने में। लेकिन अब जो है लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं इस लॉकडाउन में, और अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को खोलना होगा, अन्यथा जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने वाली है वो शायद बीमारी से भी ज़्यादा जटिल होगी, ज़्यादा खतरनाक होगी। और यहाँ पर जो है किसी भी राज्य के नेतृत्व के लिए, किसी भी या पूरे देश के नेतृत्व के लिए ये तय कर पाना कि क्या वो कट ऑफ पॉइंट है, क्या कितनी जान की हानि जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कितनी इकनॉमी का जो एक डैमेज है वो देश बर्दाश्त कर सकता है, उसका एक कट ऑफ तय करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और एक बहुत सारे फैक्टर्स उसमें जुड़ते हैं एक व्यापक पॉलिसी बनाने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है 3 मई के बाद भी 2 वीक तक ये लॉकडाउन और स्थगित किया गया है और एक्सटेंड किया गया है, लेकिन एक स्टैगर्ड पॉलिसी जो है धीरे धीरे देश में आनी शुरू हो गई है। पूरा देश जो है, पूरे जो 726 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 भागों में बांट दिए गए हैं, रेड जोन जिसमें कि सबसे ज़्यादा संक्रमण है इस बीमारी का, ऑरेंज जोन जो कि थोड़ा कम प्रभावित है, और ग्रीन जोन जो कि पूरी तरह इस बीमारी से मुक्त है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जितने केसेस मुंबई में हैं या आज जितने केसेस दिल्ली में हैं, आज जितने कंटेनमेंट एरियाज मुंबई में हैं या आज जितने कंटेनमेंट एरियाज दिल्ली में हैं, मेरा यह अनुमान है कि मुंबई या दिल्ली या पुणे या अहमदाबाद के लिए शायद ये 2 हफ्ते भी पर्याप्त नहीं होने वाले हैं और ये लॉकडाउन कम से कम जून की शुरुआत तक और एक्सटेंड होने वाला है। लेकिन बाकी क्षेत्र जो है जहाँ इस बीमारी का संक्रमण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, जो 330 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, हेलो प्रीति, गुड टू हैव यू इन द चैट, तो जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं ग्रीन जोन है, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितना बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से वहाँ पर, देखिए वो ज़्यादातर जो एक यूनिक बात मैं देख रहा हूँ, जितने जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, जो बड़े शहर हैं, भले वो दिल्ली हो, वो बैंगलोर हो, वो कलकत्ता हो, वो सारे रेड जोन में हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सबसे सर्वाधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ देखने को मिलती थी, वो एरियाज जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। लेकिन जो ग्रीन जोन्स जो हैं वो ज़्यादातर वो इलाके हैं जहाँ कृषि जो है वो व्याप्त है, जहाँ कृषि जो है
प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है या रूरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, और या इससे जो है एक तरह से मैं कहता हूँ, मेरा ये अनुमान है कि दोनों लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री को भी और पूरे कृषि क्षेत्र को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है इस इन आने वाले दिनों में। एक और कारण है कृषि को जो लाभ मिलने वाला है, उसका एक और कारण है, जब भी इस प्रकार की महामारी होती है, जब भी इस प्रकार की बीमारी फैलती है, आमतौर पर देखा गया है कि समाज में वेजिटेरियनिज्म की ओर लोग बढ़ते हैं। इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या चिकन खाते हैं तो इसका कोरोना के होने ना होने से कोई संबंध नहीं है ये इस बात, लेकिन लोगों में एक अवेयरनेस आ जाती है, एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि अगर हम हेल्दी खाएं, अगर हम हल्का खाएं, वेजिटेरियन खाएं, तो शायद हम हमारा शरीर और बुलंद होगा या और ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी। और एक नेचुरल टेंडेंसी देखी गई है कि हर संक्रमण के दौर में या महामारी के दौर में लोग आम तौर पर वेजिटेरियनिज्म की ओर बढ़ते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे फार्म प्रोडक्ट्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और लॉजिस्टिक्स का जो इंडस्ट्री है, जो कई बार जो है सबसे बुरा असर इसका रिटेल पे पड़ने वाला है, तो कई तरह से अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट टू होम आप कैसे पहुँचाएँ प्रोडक्ट्स को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लोगों तमाम इंडस्ट्रीज के लिए। और इसलिए आप पाएंगे कि जो अनेक तरीके हैं जिससे कि कस्टमर्स तक अब अपनी चीज़ों को डायरेक्ट पहुंचा सके, भले वो ई कॉमर्स हो, भले वो इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स के ज़रिए हो, ये सारी चीज़ों में, ये सारे क्षेत्र में एक बड़ी वृद्धि, एक बड़ा इजाफा होने वाला है। साथ ही आने वाले महीनों में आप पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी वृद्धि इंडिया में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो है, हाय मयूर, हाउ आर यू, गुड टू हैव यू ऑन द चैट। तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 2 दिन पहले वेबिनार के ज़रिए तमाम जो हैं ऐसे कंपनीज़ जो कि चाइना से बाहर आना चाहते हैं और वियतनाम या जापान या कोरिया के बीच वो चयन कर रहे हैं, उनके साथ एक वेबिनार करके उन्हें इंडिया में प्रलोभित करने का या उन्हें इंडिया में लाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। एक अच्छा सवाल मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर चैलेंजेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग 1/3 केसेस जो हैं, लगभग 12-13 हज़ार केसेस, 39-40 थाउजेंड केसेस आज दिन के अंत तक होने वाले हैं, वो महाराष्ट्र से होंगे। तो महाराष्ट्र के ऊपर डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कुछ 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पूरी तरह से रेड जोन में हैं, पूरा मुंबई रेड जोन में है, लगभग पूरा पुणे रेड जोन में है, तो महाराष्ट्र के लिए डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। देखिए, मोटे तौर पर जब आप लॉकडाउन की सफलता की बात करते हैं तो 2 चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक तो लॉकडाउन कंप्लायंस, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, किस प्रकार से पुलिस जो है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर पा रही है, किस निष्ठा के साथ या किस सत्यता के साथ या किस सिंसियरिटी के साथ। और दूसरी बात लॉकडाउन की सफलता में आती है कि कितने जो है मेडिकल प्रिपेयरेडनेस आपकी सक्षम है, किस प्रकार से आपने टेस्टिंग बढ़ाई है या नहीं, आपके हॉस्पिटल बेड्स जो हैं या आइसोलेशन फैसिलिटीज़ उपयुक्त संख्या में है कि नहीं। तो ये 2 क्षेत्र जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर और मेडिकल प्रिपेयरेडनेस, इस लॉकडाउन को सफल बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जब चूक होती है तो केसेस बढ़ते हैं। तो आज जो 5 जगह हैं जहाँ के सबसे ज़्यादा केसेस, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, और ये कोई पॉलिटिकल विषय के तौर पर मैं इसको नहीं अप्रोच करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार अलग है, गुजरात में सरकार अलग है, दिल्ली में सरकार अलग है, तो कहीं ना कहीं ये एक कलेक्टिव लैप्सेस इसमें रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर ये केसेस पाए जा रहे हैं 4 या 5 इलाकों में, तो उसमें कलेक्टिव लैप्सेस रहे हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स के। हाय अजीत, गुड टू हैव यू ओवर हियर। तो जब इतनी बड़ी संख्या में जब केसेस पाए जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो निश्चित तौर पर जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में
या मुंबई के अंदर जून के दूसरे हफ्ते तक ज़्यादातर कॉलेजेस या स्कूल्स खुल जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार अगस्त के पहले ये स्कूल्स या कॉलेजेस खुल पाएंगे, जिसका अर्थ ये है कि ये सारे कॉलेजेस या सारे स्कूल्स को ई लर्निंग का एक एक लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि मान लीजिए कि अगस्त के पहले हफ्ते तक यदि स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो किस प्रकार से जो करिकुलम है वो ई लर्निंग के ज़रिए, वो जूम या स्काइप के ज़रिए आगे पढ़ाई जा सके। और हो सकता है कि अगर अगस्त के बाद भी आवश्यकता पड़े सितंबर या अक्टूबर तक, तो भी ई लर्निंग को इतना मजबूत बनाना होगा जिससे कि एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुलते हैं तो कम से कम बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं देखता हूँ। दूसरी ओर जो है, अगर आप एक दूसरी इंडस्ट्री को देखें, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लें मिसाल के तौर पर, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोरोना का एक बड़ा विचित्र असर रहा है। हेलो तुषार, हेलो अमर, गुड टू हैव यू इन द कन्वर्सेशन। तो अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर एक बड़ा विचित्र असर रहा है। एक तरफ जो है, शायद हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में अगले 2 या 3 महीनों तक कोई जाना नहीं चाहेगा, जाना सेफ भी नहीं होगा। पर दूसरी ओर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल कंजम्पशन है, उसमें इतना बड़ा इजाफा आया है कि डिमांड बढ़ गई है डिजिटल शोज़ की। लेकिन चुनौती ये है कि डिजिटल शोज़ की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन वो प्रोड्यूस कब हो, क्योंकि कोई भी शूटिंग जो है, जब तक ये संक्रमण या जब तक ये बीमारी का प्रकोप शहर से नहीं हटता है, तो कोई भी शूटिंग में आम तौर पे 40-50 लोग सेट पर किसी भी वक्त होते हैं, और उतनी बड़ी गैदरिंग जो है वो एडवाइजेबल नहीं होगी जब तक कि बीमारी का प्रकोप हटेगा नहीं। तो अनेक अनेक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अनेक अनेक सेक्टर्स हैं, उसमें विचित्र चैलेंजेस हैं। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक एडवांटेज, हर चीज़ को एक डिसएडवांटेज की तरह कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं देखना चाहिए। एक बड़ा एडवांटेज जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये होगा, हाय पल्लवी, हाय राकेश, हाय आकाश, हाय राज, आप सबका स्वागत है इस कॉन्वर्सेशन में। तो एक जो एडवांटेज कॉर्पोरेट सेक्टर को इस बीमारी में ये देखना चाहिए कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं उनके, चूँकि अब लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से जो ऑपरेशनल ओवरहेड्स कॉस्ट थे वो पूरे बचे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हुई है, आपके ACs नहीं चले हैं, तो जो ओवरहेड कॉस्ट हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ के ट्रैवलिंग कॉस्ट हैं, कई ऐसे जॉब्स थे या कई ऐसे जॉब्स हैं जिसमें लगभग हर दूसरे हफ्ते जो है लोग अब्रॉड ट्रैवल करते थे या लोग दूसरे शहरों में ट्रैवल करते थे, तो आज इतना बड़ा ट्रैवल कॉस्ट आपका बचा है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि इस बीमारी ने बहुत सारे नुकसान किए हैं लोगों के, लेकिन साथ ही जो छोटे मोटे गेन्स हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गेन्स आगे जाकर कंसोलिडेट करने पड़ेंगे हमें, वरना लॉसेस ही दिखेंगे और लॉसेस बढ़ते जाएंगे। एक प्रश्न नीतीश सिन्हा का मैं देख पा रहा हूँ, उसमें व्हाई शुड मोर फोकस्ड ऑन अदर कंट्रीज कंपनी टू इनवाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, हाउएवर MSME मॉडल टू प्रमोट टू अचीव द गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हाई रिड्यूस द ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। इनफैक्ट अभी पहले MSME मिनिस्ट्री ने श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक MSME आइडियाज पोर्टल क्रिएट किया है, जिसमें कि MSME में जो चुनौतियाँ आने वाली हैं उसके लिए आप अपने सुझाव उस पर रख सकते हैं। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सजेशन है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है वो कम करना होगा, और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि जो नए रिक्वायरमेंट्स पिछले 2 या 3 महीने में आपने देखे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स के, फॉर एग्जांपल हैंड सैनिटाइजर्स के, फेस मास्क के, हैंड ग्लव्स के, ये सभी चीज़ें जो हैं, या PPEs जो हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, इसमें MSME एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकता है इनकी उत्पादन में। एंड एट द सेम टाइम इंडिया कैन बी अ लीडर इन मेडिकल एक्सपोर्ट्स।
जो हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन में हमने देखा, जिस प्रकार से इंडिया ने लगभग 30 या 40 कंट्रीज़ को एक हफ्ते के अंदर वो टैबलेट्स एक्सपोर्ट किए थे, तो मेडिकल एक्सपोर्ट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड MSME, स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर, स्पेशली इन द हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ आप हैंड सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ आप हैंड ग्लव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ आप फेस मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ करने के लिए या उस अपॉर्चुनिटी पर का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। आप सब इस वक्त नागपुर में हैं, नागपुर की स्थिति क्या है मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है नागपुर तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में, लेकिन जो केसेस हैं वो निश्चित तौर पर मुंबई की तुलना में काफ़ी कम है, प्रिय सिटी रहा है। मैं कई बार नागपुर आया हूँ, 2 या 3 बार तो रायसोनी ट्रूप के सेशंस में आया हूँ, बाकी भी 2 या 3 बार आने का अवसर मिला है, और नागपुर हमेशा से एक काफ़ी प्रिय सिटी रहा है मेरा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नागपुर का क्या हाल है, नागपुर में कितना संक्रमण है और किस तरह की कंट्रोल या किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वहाँ पर। नयना उपाध्याय श्योनकर लिखती हैं, आई एम अ टीचर सर, फॉर कमिंग सेशन ई लर्निंग विल प्ले अ मेजर रोल। एब्सोल्युटली नयना जी, ये बात मैंने अभी जस्ट कही थी कि जून में जो है मैं स्कूल्स या कॉलेजेस को रीओपन होता हुआ नहीं देख रहा हूँ, कम से कम मुंबई में तो सवाल ही नहीं उठता है, और हो सकता है कि अगस्त के पहले हफ्ते तक स्कूल्स यहाँ पर रीओपन ना हो, और यहाँ इसमें हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो समय मई के महीने का समय उनको मिला है उसका वो सदुपयोग करके अपने करिकुलम में एडजस्टमेंट्स करें, अपने जो लर्निंग डिवाइसेस हैं टूल्स हैं उसमें एडजस्टमेंट्स करें, और जून के पहले सप्ताह से या जून के दूसरे सप्ताह से जब स्कूल खुलने थे तो शेड्यूल को ना ख़राब करते हुए इमीडिएटली वो जो नया सेशन होगा उसको ई लर्निंग के ज़रिए आरंभ कर दें, और जब भी माहौल अनुकूल होगा तो अगस्त से या सितंबर से जब पूरी तरह क्लासेस शुरू होंगे तो फिर ई लर्निंग जब ज़रूरत पड़ेगी तब चलेगी, लेकिन तब तक के लिए जो है जब तक कि स्कूल ना खुले ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आकांक्षा सिन्हा हुसुकले लिख रही हैं कि रेड जोन है नागपुर। आई कैन अंडरस्टैंड, रेड जोन इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जोन टू बी इन। पूरे देश को जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। जो दुख की बात है, इस बार आपको, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का रंग क्या है ये तय करने की आज़ादी आपको नहीं है, आप बस अपना दायित्व निभा सकती हैं घर पे रह के, जो हम सब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां लोग शाम होते जो हैं आज भी मुंबई के अंदर भी निकल जाते हैं और पुलिस भी उन पर काबू नहीं कर पाती है, बट दैट्स लाइफ आई गेस। लाइफ इज़ नेवर फेयर, और कई बार जो है दूसरों की गलतियों के लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देखने वाला हूँ वो है जो लीडरशिप स्टाइल आप देश में देख रहे हैं या राज्यों में देख रहे हैं। नाउ अब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग ऑन योर फीट, आपके पास निर्णय लेने के पास, सरकारों के पास, नेताओं के पास निर्णय लेने का वक्त नहीं होगा। जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ शाम के 5:30 बजे, तो आज
या कल सुबह 6 बजे क्या होने वाला है इसका निर्णय, या आज रात क्या परिवर्तन होने वाला है इसका निर्णय मुझे अभी के अभी लेना होगा। तो जो नेतागण या जो ऐसे लीडर्स हैं या जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि बहुत आराम तलबी हैं, वो कोई निर्णय लेने में हफ्ते लगा देते हैं फाइल्स को मूव करने में, तो उनका अब उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। आज जो है लीडर्स को, तमाम लीडर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को आज पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट लीडरशिप स्टाइल में फंक्शन करना होगा, जहां कि अभी के अभी उनको निर्णय लेना होगा आज से, अभी से 2 घंटे बाद क्या करना है उसका। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो आज COVID-19 की इंडिया में एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि 75-80% ऑफ द केसेस आर असिम्प्टोमैटिक। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसका असर क्या होता है। देखिए, असिम्प्टोमैटिक कैन ऑल्सो मीन माइल्डली सिम्प्टोमैटिक। जैसे मान लीजिए आमतौर पे कफ कोल्ड जो है वो कई लोगों को हर 2-3 महीने में एक बार आता ही है। तो सेजल, आई हैव टेकन नोट ऑफ योर क्वेश्चन, आई विल जस्ट कम टू इट इन 2 मिनट्स। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो शुड यू गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, क्योंकि ये आम कफ एंड कोल्ड जो है वो हर 2 या 3 महीने में लोगों को होता है। यहाँ पर यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर यू नो ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन। असिम्प्टोमैटिक केसेस, असिम्प्टोमैटिक होने के बावजूद दे कैन स्प्रेड द डिजीज, एंड आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज जो एविडेंस अभी तक मौजूद है, जो एविडेंस अभी तक उपलब्ध है वो ये बताती है कि अगर आप घर पे हैं, जब आप बाहर जाते हैं तब तो आप फेस मास्क पहनते हैं, लेकिन अगर आप घर पे हैं आप 24 घंटे फेस मास्क नहीं पहन सकते। लेकिन अब तक जो एविडेंस उपलब्ध है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जब आप बात भी कर रहे होते हैं, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो भी जो पार्टिकल्स, जो फ्लूइड पार्टिकल्स आपके मुँह से निकलती हैं, जो शायद आपको दिखे भी नहीं, वो भी इस बीमारी को फैला सकती है। तो असिम्प्टोमैटिक केसेस का अर्थ बीमारी कैरी कर रहा है, वो दूसरों तक वो बीमारी नहीं फैला सकता है। इनफैक्ट आज से 15 दिन पहले मुंबई में एक कानून, एक नियम आया था कि असिम्प्टोमैटिक केसेस, इवन इफ दे आर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ पेशेंट्स, विल नॉट बी टेस्टेड, जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी 2 बार इसके बारे में लिखा था मुख्यमंत्री जी को, कि इससे जो है आप एक तरह से केवल नंबर्स को आर्टिफिशली कम करने के लिए आप एक तरह से पूरे बीमारी को दबा रहे हैं। लेकिन असिम्प्टोमैटिक केसेस, अब यदि 75 या 80% केसेस असिम्प्टोमैटिक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी टेस्टिंग ना होगी तो कितने बड़े पैमाने पर पूरे समाज में ये बीमारी फैलेगी। और असिम्प्टोमैटिक होने के 2 पहलू, एक अच्छा पहलू भी है, हो सकता है कि आज आप में ये बीमारी हो सकता है कि हफ्ते भर बाद जो है बीमारी ना हो, आपको पता भी ना चले। क्योंकि मुंबई में आज से 10 दिन पहले कुछ 53 ऐसे जर्नलिस्ट थे, आज की तारीख में 32 या 33 उसमें पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इन्हें सिम्टम्स भी महसूस नहीं हुए। और ये जो है एक दूसरी चैलेंज की ओर हमें लेकर जाता है। कई लोगों का मानना है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब 60 या 70% लोग किसी न किसी फॉर्म में इस बीमारी के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, तो वो बीमारी खुद ब खुद अपना बेअसर होने लगता है। जैसे स्वाइन फ्लू जो है आज लगभग बेअसर है इंडिया में, एक पर्टिकुलर सीजन में, कुछ बारिश के सीजन में और कुछ विंटर के सीज़न में कुछ केसेस उसमें पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एक प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी डिवेलप कर ली है स्वाइन फ्लू के खिलाफ, और इसलिए स्वाइन फ्लू अब ये असर नहीं डाल पाता है हमारे देश में, जो आज से 11 साल पहले 2009 में डाला था उसने। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि COVID-19 भी अगले कुछ महीनों में वो स्टेज
तक पहुंच जाएगा जब हम इसके विरुद्ध हर्ड इम्यूनिटी डिवेलप कर चुके होंगे। लेकिन तब तक जो है हमें ये जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है, ये जो जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसका पालन करना पड़ेगा। इससे इकोनॉमी कितना अफेक्टेड होता है ये हमें देखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, जो एरियाज़ में जहाँ जहाँ संभव हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी मल्टी प्रोंड बैटल विच वी आर फाइटिंग, जिसमें चार या पांच एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम कॉन्स्टेंटली नज़र डाल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उन्हें मैनेज कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजी को उन चार पांच एस्पेक्ट्स के बदलते रूप को देखते हुए हम इवॉल्व कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल था, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्क्रीन में इस वक्त नहीं पा रहा है, जिन्होंने पूछा था कि स्कूल्स या कॉलेजेस में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर कर पाएंगे। देखिए, यही कारण है कि बाकी तो इंडस्ट्रीज, बाकी तो हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड जून तक पूरी तरह से खुल भी जाए, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को के खुलने में हम जितना देर करें उतना जो है हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। और आज की तारीख में ई लर्निंग संभव है, ई लर्निंग से जो है वो जो नुकसान हो रहा है क्लासेस में नहीं जाने की वजह से, उसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट टिल अगस्त और टिल सितंबर, टिल द टाइम कम्स व्हेन वी गेट अ कंक्लूसिव आइडिया दैट कोविड 19 केसेस हैव रिसीडेड एंड आर नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, आई वुड सजेस्ट दैट स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड बाय देन। और यही शायद प्रशासन को इवेंचुअली करना भी पड़ेगा। जहाँ तक ऑफिसर्स का सवाल है, ऑफिस में फिर भी जो है जून में यदि ऑफिसर्स खुलते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के नियम आ सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे एम्प्लॉय को बुलाया जाए, जिससे कि कभी किसी भी समय में 50% से ज़्यादा अटेंडेंस ना हो। तो इन दैट केस सैटरडे विल बिकम अ वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट। In fact, even if Sunday becomes a working day, I think everybody will be fine with it for the next 1 year or so, considering that we've got a 60-day break. So, agar all courses ko jo hai wo pure kiye ja sakte hain courses, aur jab tak sthiti anukool nahi hogi ki classes pe bacche ja sake wapas, tab tak hum is online madhyam se bachchon ko padha sakte hain। मेरा ख्याल है सुनील रैसोनी जी भी इस वक्त इस लाइव सेशन में मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों से इस प्रकार से बात करते हुए। और एज एन एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि आपके मन में भी ये ख्याल चल रहे होंगे इस वक्त कि कैसे इस बदलती स्थिति से मुकाबला किया जाए, और क्या ऐसे परिवर्तन जो हैं अपने अप्रोच में आप करना चाहते हैं जिससे कि अगले 2 या 3 महीने स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो चलती रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा चैलेंज है जो हर व्यक्ति, हर एजुकेशनिस्ट इस वक्त इससे जूझ रहा है, इसके बारे में सोच रहा है और अपने सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। So I hope the session is live. There is some technical issue, I believe, जिसके कारण ये बीच में रद्द हो गया था और अब हमने दोबारा शुरू करने का प्रयास किया है। तो जो एक बड़ी बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था और संक्षेप में मैंने किया भी था कि दुनिया जो है वो पहले जैसी नहीं होगी, भले वो कॉर्पोरेट लीडरशिप हो या वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। एक जो जो जिस प्रकार की हैंड्स ऑन अप्रोच की आवश्यकता या जिस प्रकार की प्रोएक्टिवनेस की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसकी कल्पना दुनिया ने शायद पहले नहीं की थी। It will be a 24/7 hands-on approach, जिसमें
एक ही वक्त पर आपको ये तय करना होगा कि जो इकोनॉमी है उसको कितना नुकसान होता, उस पर कितना नुकसान एक देश, आपका देश या आपका राज्य सह सकता है, और साथ ही कितना तवज्जो आपको जीवन बचाने में और हेल्थ व्यवस्था सुधारने में डालना होगा। और ये कांस्टेंट एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें जब भी इस प्रकार की जो एक पैंडमिक आती है, जब भी इस प्रकार का एक संकट आता है विश्व के ऊपर, मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी होता है, एक बहुत बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होता है। और मेरा ये मानना है कि हालांकि अगले एक साल तक या 8 या 10 महीने तक हमारी इकोनॉमी डिप करेगी, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% होगा, 2% होगा, वो क्या होगा वो मुझे इस वक्त नहीं पता है, लेकिन अलग अलग जानकार जो हैं अलग अलग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, और वो प्रेडिक्शंस अभी भी कंक्लूसिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी भी हमें पूरी तौर पर ये अंदाज़ा नहीं है, पूरी तौर पर ये जानकारी नहीं है कि ये क्राइसिस और कितने हफ्ते चलने वाला है। लेकिन आज से एक साल बाद या हो सकता है अगले साल की शुरुआत तक एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको इकोनॉमी में वी शेप्ड ग्रोथ फेज कहते हैं। जब इकोनॉमी डिप करती है तो उसके बाद एक वी शेप्ड ग्रोथ भी होता है, और वो ग्रोथ के लिए जो है ये अगले 8 या 10 महीनों में हमें अपने आप को पूरी तरह से पर्याप्त उसके लिए करना है और तैयार करना है। और यहाँ पर जो है अलग अलग राज्य जो हैं अलग अलग तरीके से किस प्रकार से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के ज़रिए फॉरेन कंपनीज को जो चाइना में सक्रिय थी उनको यहाँ पर प्रलोभित कर सकते हैं, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की गति बढ़ा सकते हैं, एक और बड़ी जो चुनौती आने वाली है। देखिए अभी कल से जो है जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो वापस जाने शुरू हो गए अपने घरों में। झारखंड के कुछ माइग्रेंट लेबरर्स कल रात को रांची पहुँचे, आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लेबरर्स वापस आए हैं। जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि ऐसी परिस्थिति में तुरंत अब वो वापस नहीं आने वाले हैं बड़े शहरों में, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनकी जान को समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है। और ऐसी स्थिति में बड़े शहरों में, मान लीजिए मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, आज से एक महीने बाद अगर सिचुएशन सामान्य हो भी जाती है और जो मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार है वो पहले जैसी स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो भी हो सकता है कि उतनी संख्या में लेबरर्स ना हो। लेकिन जो छोटे शहर में या जो छोटे गांवों में ये लेबरर्स गए हैं, उन्हें वहाँ पर कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, ये एक चुनौती भी है और कहीं ना कहीं इसमें अवसर भी छुपे हैं। और मान लीजिए कि जो स्टेट सबसे बेहतर जो क्लियरेंस के नियम लाती हैं या जितनी शीघ्रता से इन्वेस्टमेंट्स ला सकती है अपने राज्य में, वहाँ पर इन माइग्रेंट लेबरर्स का प्रयोग उन स्टेट्स में हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो पूरा जो माइग्रेंट लेबरर्स का कॉन्सेप्ट था वो बदल जाए। अब शायद जिस संख्या में छोटे शहरों से या गांवों से लोग बड़े शहर में आते थे, अब वो आना बंद कर दे और अब वो लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये कम से कम ये प्रभाव इस बीमारी का 1 या 2 साल तो पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखने ही वाला है, और हो सकता है कि बीमारी उसके बाद भी कुछ कई सालों तक चले, लेकिन ये 1 या 2 साल एक जो बीमारी को लेकर दहशत है वो उतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स आज वापस जा रहे हैं वो स्थिति में ना हो कि वापस आए, और हो सकता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो बदल जाए, वो जो लोग बड़े शहरों में आते थे आज वो वहाँ पर लोकल अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढें, और जो राज्य सरकार उनका प्रयोग वहाँ करने के लिए तैयार हैं और वहाँ इंडस्ट्री खड़े करने में सक्षम होती है, मेरे ख्याल से वो राज्य जो हैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाएगी बाकी राज्यों की तुलना में।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन राज्यों का कंट्रीब्यूशन आने वाले सालों में कहीं अधिक होगा। कार्तिक बोरिकर जी का सवाल है, व्हाट विल बी द पोस्ट कोविड लीडरशिप सिनेरियो, विल इट बी द सेम और वी नीड टू अडॉप्ट योर स्ट्रेटजीज। सो इनफैक्ट कार्तिक, मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एक तो जो पुरानी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जिसमें कुछ नेतागण, कुछ लीडर्स जो हैं बहुत लंबा समय लेते हैं डिसाइड करने में, और प्रोक्रेस्टिनेशन जिनके अंदर देखी जाती है, उन नेताओं का अब कोई स्थान नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो कोविड 19 का जो प्रलय रहा है या जो प्रकोप रहा है, ये एक अच्छा अवसर रहा है अनेक लीडर्स की लीडरशिप एबिलिटी को आंकने का। और जो स्टेट्स पिछड़ रहे हैं इस लड़ाई में, यदि वो पिछड़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, या तो वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, या वो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, या मेडिकल प्रिपेयरेडनेस में चूक रहे हैं, या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं टेस्टिंग को लेकर, आगे की टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को लेकर। तो जो स्टेट्स अच्छे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे हैव बीन डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, एंड कोविड 19 इन मेनी वेज विल प्रोड्यूस न्यू लीडर्स फॉर द कंट्री। एक स्टेट जिसका जिक्र नहीं हुआ है ज़्यादा, पर जिसने बेहतरीन काम किया है कोविड 19 को रोकने में, वो है हिमाचल प्रदेश। आज से 8 या 10 दिन पहले हिमाचल में 8 केसेस थे, और आज वो लगभग सारे 8 केसेस जो हैं वो क्योर भी हो गए हैं और कोई नए केस नहीं आए हैं। क्यों? जो मेरी जानकारी है, जो बाकी शहरों में या बाकी जगहों पर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, हिमाचल के उन इलाकों में जहाँ पे ये केसेस पाए जा रहे थे, एक प्रॉपर कर्फ्यू लगाया गया था। दे डिड समथिंग डिफरेंटली। गोवा में आज, गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी एब्सोल्यूटली कोविड 19 फ्री, टू बी डिक्लेयर्ड कोविड 19 फ्री। हालांकि गोवा एक छोटा राज्य है, पर उसके बावजूद, गिवन द फैक्ट दैट इट इज़ अ टूरिस्ट सेंटर एंड यू नो फेब्रुअरी एंड मार्च इट हैड अ लॉट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ओवर देयर, सो गिवन दिस फैक्ट आई थिंक द अचीवमेंट ऑफ गोवा इज नो लेस। केरला ने अच्छा काम किया है। केरला में पिनरई जी की सरकार जो है, शुरू में आज से एक महीने पहले कसरगोड और मुंबई एक ही स्थिति में थी, एक ही स्थान पे थी, लगभग सेम केसेस जितने कसरगोड में थे और उतने मुंबई में थे। और आज कसरगोड में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, मुंबई में स्थिति नियंत्रण में नहीं है। तो ये दिखाता है लीडरशिप की क्षमता को, ये दिखाता है लीडर के हुनर को। और कहीं ना कहीं पिनरई जो है, वो हालांकि विचारधारा में हो सकता है कि हमें हमारी उनके साथ मतभेद हो, लेकिन प्रशासनिक क्षमता में मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिसमें केरला को उन्होंने इस बीमारी के प्रकोप से महफूज किया है, सुरक्षित किया है। साथ ही जो पटनायक जी की भूमिका रही है उड़ीसा में, एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्हें हमेशा देखा गया है, लेकिन उड़ीसा ने भी एक बेहतरीन लड़ाई लड़ी है। असम ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। हेमंत बिस्व शर्मा जो हालांकि वहां पे फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल निरीक्षण में एक एक केसेस को पर्सनली स्टडी किया, मॉनिटर किया, और एक 35 या 36 के आंकड़े से अधिक वहाँ केसेस को नहीं बढ़ने दिया। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो कि आगे जाकर देश में एक बहुत सक्रिय रोल निभा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत हैंड्स ऑन है, बहुत प्रोएक्टिव है। दे थिंक ऑन देयर फीट, दे डोंट वेट टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। चारुदत्ता काहू का सवाल है, डू यू सी वर्ल्ड विल यूनाइट अगेंस्ट चाइना? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो बहुत लेयर्ड होता है, तो हो सकता है कि पूरी तरह औपचारिक तौर पे या ओवर्टली दुनिया चाइना के खिलाफ यूनाइट ना करे। कुछ देश
ओवर्टली यूनाइट करेंगे, कुछ देश ओवर्टली एक स्टैंड लेंगे चाइना के खिलाफ, जैसा यूएस इस वक्त ले रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रकार से वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है इलेक्शन के लिए। यदि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि यूएस का वही स्टैंड रहेगा चाइना के खिलाफ या नहीं, क्योंकि जो बिडेन जो कि विपक्ष के कैंडिडेट हैं वहाँ पर, ही हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू हैव अ प्रो चाइना अप्रोच। तो वर्ल्ड औपचारिक तौर पर या खुलेआम चाइना के साथ चाइना के खिलाफ यूनाइट करेगा, ऐसा होता मैं नहीं देखता। हाँ, कुछ निर्णय तमाम देश ऐसे लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने लिए हैं, ब्रिटेन ने लिए हैं, जर्मनी ने लिए हैं, जहाँ की चाइना के साथ वो बिजनेस कम कर देंगे। बट एट द सेम टाइम चाइना बीइंग अ श्रूड मैनिपुलेटर विल लुक फॉर न्यू मार्केट्स एंड लुक फॉर न्यू मैन्यूवर्स टू मेक अप फॉर दोज लॉसेस। Africa might warm up to China like never before. And so far as India is concerned, मुझे लगता है कि इंडिया ने हमेशा से एक बहुत ही nuanced stand रखा है चाइना के खिलाफ। जहाँ हमारे हितों का नुकसान हो रहा है वहाँ पर हम एक स्पष्ट stand लेते हैं, और यही stand हमने लिया था ओ बोर में, जो one border one road की बात जहाँ आई थी। तो इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया था चाइना के इस इनिशिएटिव के विरुद्ध, और इनफैक्ट वो एक बड़ा निर्णय था जिसने इंडिया को काफ़ी हद तक इस बीमारी का जो शुरुआती प्रहार था, जिसमें इटली को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ या उसके बाद यूएस को नुकसान हुआ, मेरे ख्याल से इंडिया को शुरुआती दौर में सुरक्षित रखने में एक बड़ा योगदान था जो हमने स्टैंड लिया था ओ वॉर के खिलाफ। उसने बहुत सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चाइना के साथ रिस्ट्रिक्ट किए थे। और निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे कि आने वाले सालों में वर्ल्ड चाइना दुनिया जो है चाइना को लेकर हमेशा सचेत रहेगा, चाइना पर विश्वास कम करेगा, लेकिन चाइना के साथ पूरी तरह से इकोनॉमिक टाइज समाप्त हो जाएंगे तमाम देशों के, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि चाइना भी बहुत शाना है और बाकी देशों की भी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ वो एक ओवर्ट खुलेआम चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते। वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? प्रिंट मीडिया पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट मीडिया अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ज़्यादातर शहरों में आ रहे हैं, मुंबई में नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके पीछे लॉजिक नहीं है। लेकिन जो इनिशियल रिसर्च है वो भी ये बताता है कि पेपर के ज़रिए ये वायरस नहीं फैलता है। तो प्रिंट मीडिया पर इसका विशेष असर होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, देखिए कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बढ़ा है। जब लोग ज़्यादा समय घर पर बिताते हैं तो निश्चित तौर पर वो दोबारा से टीवी चैनल्स देख रहे हैं, वो दोबारा से एंटरटेनमेंट चैनल्स देख रहे हैं। तो रामायण को इनफैक्ट जो व्यूअरशिप मिली है वो अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जितने लोगों ने इस बार रामायण को देखा है और रामायण का जो पुनः उसका प्रसारण हुआ है उसको देखा है, वो किसी ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। आज न्यूज़ चैनल्स जो हैं पिछले 4 या 5 हफ्तों में जब से ये लॉकडाउन आया है, तब से न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप में एक ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और का तो पे तो इसका असर बेहतर ही हुआ है। हाँ, लेकिन एडवर्टाइजर्स जो हैं पहले की तरह शायद पैसे ना लगाए चैनल्स पे। उसका कारण यह है कि मार्केट्स डाउन हुए हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो तो पिछले 1.5 महीने में पूरी तरह से बैठ गया है, एक गाड़ी भी नहीं बिकी है।
and automobile sector was a huge spender. Banks have been spending, so you know, bank loans, बहुत सारी financial activities थम गई हैं, ठप हो गई हैं. तो ये जो सेक्टर्स हैं वो टीवी पर या एक एडवर्टाइजर के तौर पर ज़बरदस्त स्पेंडिंग क्या करते थे टेलीविजन पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अब वो पहले की तरह शायद सपोर्ट नहीं दे पाएंगे. और जिसके कारण शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कॉस्ट्स कम करने पड़ेंगे. हो सकता है कि कैमरा पर्सन्स कम करके वो स्काइप या जूम के ज़रिए लोगों का इंटरव्यू दें, जैसा कि इस वक्त हम आप आपके साथ हमारी बात हो रही है. तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल नॉट बी अफेक्टेड, लेकिन हाँ कॉस्ट कटिंग निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि उनकी रेवेन्यूज, डिस्पाइट द इंक्रीज्ड व्यूअरशिप, उनकी रेवेन्यूज कम होगी. तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत आनंदमय सेशन था जब आपसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, कुछ विचारों के आदान प्रदान हुए. और रायसोनी ग्रुप खुद एक इतना बड़ा ग्रुप है, मैं समझता हूँ नागपुर के अतिरिक्त रायपुर में, पुणे में आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ रायसोनी ग्रुप का भी दायित्व जो है काफ़ी बढ़ जाता है नए सिस्टम्स बनाने में, नए जो है आगे के मार्ग तय करने में, जिससे कि COVID-19 के बावजूद जो जो चैलेंजेस एजुकेशनल सेक्टर में आने वाले हैं या एजुकेशनल सेक्टर कन्फ्रंट करने वाली हैं, उसके सॉल्यूशंस या उनके जो उनसे कैसे निपटा जाए, इसका रास्ता शायद रायसोनी ग्रुप अपने एफर्ट से दिखा सकता है. और मैं नज़र रखूँगा, आई विल कीप अ टैब ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग, वेदर योर कॉलेज रीओपन्स इन जून. इस वक्त तो नागपुर में गर्मी भी बहुत पड़ रही होगी, लेकिन आमतौर पर आपके कॉलेज जो है, आपका कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के बाद कब खुलता है, मिड जून या जुलाई, और आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उस वक्त आगे के कोर्सेज को लेके, स्कूल या कॉलेजेस को खोला जाए या उन्हें फ़िलहाल बंद रखा जाए, तो ये जो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, शायद हो सकता है कि वो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी उससे मार्गदर्शन मिले और उन्हें रास्ता दिखे कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी आने वाले महीनों में पूरे देश में लागू की जा सकती है. तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. मैं, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं. अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए. घर पर ही, घर पर बैठने, जब आप घर पर बैठे होते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है फिज़िकल फिटनेस का. और एक बार फिर यहाँ पर ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है. हो सकता है कि आगे आने वाले महीनों में शायद आप जिम ना जाएं, जो आपके योगा इंस्ट्रक्टर हैं या जो आपके फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं वो स्काइप पे ही आपसे बातचीत करें या जूम वीडियो के तहत जो है आपके आपको एक्सरसाइजेस बताएं. लेकिन आपके यदि कोई इंस्ट्रक्टर ना भी हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सूर्य नमस्कार किया करें. मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सूर्य नमस्कार के ज़रिए जो है वो एक बेसिक फिटनेस बरकरार रखूँ. दिन में 20 या 30 हो जाते हैं. भोजन थोड़ा मैंने कम कर दिया है, तो ये चीज़ें जो हैं फ़िलहाल आपको फिट रखेंगी लॉकडाउन के दिनों में.
और मैं आशा करता हूँ कि लॉकडाउन का वक्त आपके लिए भी एक सीखने का वक्त होगा, कुछ नया सीख पाने का, कुछ नया समझने का, कोई नए स्किल्स जो हैं आप अपने अंदर इंकल्केट कर पाएंगे और एक बेहतर स्टूडेंट बनकर और परिपक्वता के साथ और जिम्मेदारी के साथ देश जो नए चैलेंजेस को फेस कर रहा है उनसे निपटने में आप अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा लोगों से बात करके।